सो वेलकम गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम चलते हैं वाइड एंगल में। सॉरी, वैसे काफ़ी मैसी हो रखा है। वाइड एंगल में मैं इसलिए गया क्योंकि मैं एक तरह से दिखाना चाहता हूँ कि मैं 13 प्रो में वीडियो बना रहा हूँ। चलो नो प्रॉब्लम गाइस, जोक्स अपार्ट, आज की वीडियो है आईफोन्स के चार्जर के बारे में। गाइस, यहाँ पर एप्पल ने जो 20 वाट का चार्जर इंट्रोड्यूस किया है इस टाइम, काफ़ी पहले कर दिया है लेकिन मेरे पास अभी आया है तो मैं इसको अभी दिखा पा रहा हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो चार्जर हमारे पास हैं, दोनों ही एप्पल के हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, दोनों ही एप्पल के नहीं हैं। एक है फेक, एक है ओरिजिनल। आप कौन सा कहेंगे कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है, तो इस चीज़ के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? तो सबसे पहले गाइज आपको बताऊँ कि इस आज की वीडियो है डिफरेंस के बारे में है कि आपको फेक जो है स्पोर्ट करना होता है कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप वीडियो की क्वालिटी बताओ कैसी है। ऐसे दिखने में ही इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है, मतलब देखने में ही। पीछे से देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम बॉक्स बना रखा है, एग्जैक्टली कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए टू जेड सेम टू सेम, सारी की सारी पैकेजिंग, सारी की सारी टेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके इनर बॉक्स कंटेंट्स की, और अब सामने से देख लो, बॉक्स से तो आपने देख लिया और इधर से देख लो, अब यहाँ पर आपको कोई फ़र्क दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो सबसे पहले हाथ में पकड़ते हुए मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है वेट का। ओरिजिनल का जो वेट है वो ज़्यादा है, ओरिजिनल ये वाला है। और अब बात करते हैं कि ओरिजिनल आपको क्या चार्जिंग बताएगी कि ओरिजिनल है या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल भी काम कर देगा, डुप्लीकेट भी काम कर देगा, लेकिन डुप्लीकेट आपकी बैटरी ख़राब कर देगा, एक और चीज़ है। अब गाइज आपको मैं इसके टेक्स्ट के बारे में दिखाना चाहूँगा। एप्पल का ओरिजिनल जो है उसका टेक्स्ट देख लो, और जो डुप्लीकेट है उसका टेक्स्ट देख लो। तो इस चीज़ को आपको अब कैसे चेक करना है आप खुद देखो, कि मतलब इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना है, कि इस वीडियो को आपको सेव करके रखना है कि जब भी आप एप्पल का चार्जर या किसी को दिलवा रही हो, कभी आप ले रहे हो, तो अब गाइज आपको इसकी हैंडराइटिंग से ही सारा पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी कर दो, और आपको इसी चीज़ से पता चलने वाला है। आपको इसकी जो टेक्स्ट हैंड राइटिंग है वही देखनी पड़ेगी। एप्पल का लोगो आप देख सकते हो, उसका ढिलका रखा है, और यहाँ पर स्ट्रेट जैसे कि होना चाहिए वैसे का वैसा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। आप देख सकते हैं मैंने लाइटिंग इम्प्रूव की है, और सो कि अब आपको स्पेशली मैंशन कर गया हो कि क्या आ रहा है इसके चार्जर पे, क्या लिखा हुआ है। तो गाइज अब आप सिंपली हैंडराइटिंग में फ़र्क देख सकते हो, राइट वाला जो है वो ओरिजिनल है और लेफ्ट वाला डुप्लीकेट है। तो गाइज यहाँ पर आपको जो चार्जिंग स्पीड में फ़र्क तो देखने को मिलेगा, लेकिन आप उससे पता नहीं लगा पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ हैंडराइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। और बाकी आप देख सकते हैं अंदर से भी आपको एग्जैक्टली टाइप सी ऐसे ही डुप्लीकेट में देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी वो ढीली लूज होगी इसके कंपैरिजन में, जैसे इसकी क्लिकी फील आई उसकी नहीं आएगी। सो गाइज यही पॉइंट्स हैं कि आपको कैसे चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ हैंड राइटिंग से, और कोई अभी मेथड नहीं है। आगे जैसे कोई भी रिसेंट मेथड आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे केबल्स चेक करने बताएं कि ओरिजिनल है या नहीं, तो इसी तरह से चार्जर भी चेक करने बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो अभी तक के लिए इतना ही है गाइज, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था प्रीवियस बैक वाले पार्ट का, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहने को कुछ नहीं था, लेकिन बताने को बहुत कुछ था इस वीडियो में, जो कि मतलब आप समझ गए हैं कि कैसे कवर करना था, चार्जर ओरिजिनल है या नहीं। आपको बस हैंड राइटिंग से फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि ओवरऑल चाइना वालों ने इसे एग्जैक्टली सेम बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज।